तो फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ शनि शक्ति धाम सीसवाड़ में, और शाम का समय है, शनिवार का दिन है, भक्तों की बहुत भारी भीड़ है। और मेरी बाईं साइड हर शनिवार मंगलवार और पुनवासी की तरह बुजुर्गवार भक्तजन ये सेवक लगे रहते हैं हमेशा प्रसाद बांटने के लिए। हलवा और छोले की प्रसाद हमेशा सुबह से लेकर शाम तक ये प्रसाद चलती है यहाँ पर, और यही दोनों भक्त विशेष रूप से सेवा देते हैं हमेशा प्रसाद पे। और भाई प्रसाद क्या है, बहुत अमृत है, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं ये। क्या विशेष रूप से आपने शिक्षा ली हुई है प्रसाद बनाने की जी? हाँ, बनाने वाला तो भगवान ही बना देता है। अच्छा। लेकिन खाने वाले तो इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा। हमने भी खाया, बहुत अच्छी बनाते हैं आप। हाँ। तो बहुत बढ़िया, ये सेवा में लगे रहते हैं, और यहाँ हर किसी को ये प्रसाद दी जाती है, चाहे 1000 आए, चाहे 2000, चाहे 5000, ये प्रसाद अखंड रूप से चलती रहती है, अटूट। और आइए हम देखते थे, आपको दिखा देता हूँ, वो सामने जो मूर्ति है बालाजी की, वो 31 फुट मूर्ति है, और नीचे 10 फुट ये 41 फुट की जो मूर्ति बनी है यहाँ पर, और ये जो बालाजी की मूर्ति विशेष रूप से यहाँ पर बनाई है, ठीक इसके पीछे यहाँ पर 51 फुट की शनि की मूर्ति बनने जा रही है, बहुत विशाल, उसमें भी लोग सहयोग दे रहे हैं, और बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। और बात कराएंगे, राम राम जी, कहाँ से हो? बालसमंद से। बालसमंद से, आप भी बालसमंद से हैं जी? हाँ। अच्छा, यहाँ हर रोज शनिवार को आते हो आप? नहीं जी, कई कई दिनों में आते हैं। कई कई दिनों में आते हो? हाँ। अच्छा जी, तो के मन्नत मांगते हो आप, क्या मनोकामना? जो कुछ भी मांगते हैं वो मिल सही जाता है? हाँ, मिल जाता है जी। अच्छा। हाँ, अच्छा मिल, जो भी मांगते हो मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, ऐसा ही है जी, मिल जाता है ऐसा सब कुछ? अच्छा, ये जो बाबा जी झाड़ा वगैरह लगाते हैं इससे भी ठीक होते हैं? हाँ, ठीक होते हैं। होते हैं? इनसे भी होते हैं बेटा? होते हैं। अच्छा, तेरे भी लगाया था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए और बातें करवाता हूँ मैं लोगों से, इधर आजी कोच साहब थोड़ा सा। हाँ, इधर और खड़ी है हमारी माताएं बहने, इनसे बातें करते हैं एक बार। इधर आइए। राम राम भाई। राम राम। कहाँ से हैं? बगड़ा से। बगड़ा से, अच्छा, आए शनिवार हो गया? 3-4 गेड़े हो गया, आए शनिवार आऊँ। आए शनिवार आओ, के बात से क्यों आओ हो भाई? यार के मिले है मान ले कि मैं कोनी बेड़ा ताल से। बेड़ा ताल है? हां। किस तरह? और के तो लुगाई तो दो ईंट दर दे ओड़े मानन लाग जी। अच्छा, रूं शनि महाराज संकट काटा जी दावा बेटा। अच्छा। हां, शनि महाराज संकट काटता है? काटा तो है। अच्छा, आपकी मनोकामना मांगी आपने? हां। अच्छा, मांगी बता, पूरी हुई क्या आपकी? पूरी हुई अपने को, पहले पूरी हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। के नाम आपका? मूर्ति देवी। मूर्ति देवी बगड़ा गांव से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब 2-3 शनिवार से आ रहे हो क्या आप? तीसरा है बेटा, तीसरा। अच्छा, चलो, ये कहते हैं कि भाई आज जो हर मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। मैं तो नारियल बांध की गई थी बेटा, झूठ साथ तो बोलू को नहीं, और मेरा सब बेटा की शादी होगी। होगी? बुआ की ब्याह खड़ी थी, आ गई। अच्छा, अपने तो पूरा करे, एक नारियल बांध की गई थी, मतलब एक नारियल में शादी होगी। हाँ, अपने वो भी बहुत सुथरी आ रही है, तो पूरी पड़ रही है, पूरी पड़ रही है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी? अपनी तो कर दी भाई साहब, अपना ना ताले मारा ना बाले। अच्छा, अपना काम सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। अच्छा, तो मैं तो नुके थी भेड़ सालों से, तो वो तो एक मजाक की बात नहीं आ रही। अच्छा, मजाक की बात थी। अच्छा, अच्छा। तो मारी। चलो, और खड़ी है उर्न बहन जी, और खड़ी है, बात कराए। राम राम जी। राम राम। मैं तो अभी आई। अभी आई हो? अच्छा, पहली बार आई हो? नहीं, ये तो दूसरी तीसरी बार आ गई, पर इच्छा रखी को नहीं एक बार भगवान जी, भगवान जी के सामने इच्छा रखी को नहीं, रखी को नहीं, माथा टेकना हो। अच्छा अच्छा, चलो। और राम राम भाई साहब, कहाँ से हो? सीसवाड़ से। सीसवाड़ से, के नाम है? राम कृष्ण। राम राम जी आप। अच्छा, तो यहाँ शनिवार शनिधाम में कितने दिन? यहाँ मेरी आस्था है कई सालों से। कई सालों से, तो कहते हैं मनोकामना वगैरह पूर्ण होती है? होती है, पूरी पूरी होती है। आपकी हुई कोई? हुई है जी। क्या मनोकामना मांगी थी? हम जो जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी कामना पूरी। अच्छा, पूरी होती है जी। अच्छा, हमारी आस्था है, न्यायकारी देवता है जी। अच्छा, न्यायकारी, न्याय दिलाता है। न्याय दिलाता है, न्याय का तो देवता है। बिल्कुल, ये तो मतलब जज है, सबसे बड़ा जज है। बिल्कुल, तो न्याय मिला है आपको यहाँ पर, जो भी मांगते हैं मिल जाता है। मिल जाता है, बहुत अच्छा। ये मनोकामनाएं देखिए सभी की पूर्ण होती है, यहाँ जारों सबकी भला करेगा। खान का भूखा कौन दे देता, दर्शन का भूखा है। बिल्कुल बिल्कुल, है कोई मान्यता जोड़ की सारी चीज सनी किमे को नहीं, किमे को नहीं। सही बात है, मानने वाले के लिए सब कुछ है। सब कुछ है, बोले न तो बंदा पानी नहीं गंगा माई, न मानो तो बता पानी। बात सही कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मानो तो गंगा माँ हूँ,
ना तो बहता पानी। ये सही बात है भाई, मानने से ही गंगा जल है, नहीं मानने तो हम कुछ भी नहीं है। हम भी मान लेंगे। और ये देखिए भीड़, अब शाम का समय है, भीड़ बढ़ती जा रही है पूर्ण रूप से। आप कहाँ से हैं? हम तो राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हो? हाँ। क्या नाम है आपका? भोजराज। भोजराज, कौन से राज्य से आए हैं आप राजस्थान में? राजस्थान अलवर से आए। अलवर से? हाँ। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? कई बार आ गए, एक साल होते आए मुझे। एक साल हो गई अलवर से आते हुए। तो क्या मांगा आपने बाबा से, शनिदेव महाराज से? नौकरी लग जाऊं सरकारी, बस रेलवे में। रेलवे में लगना है? इससे कम नहीं? रेलवे से कम तो मानेगा नहीं। अच्छा, सरकारी में लगना है। बाबा के जब भी आता हूँ दरबार में। अच्छा, यहाँ कितने और पहले कितने लोग लग चुके हैं लगभग? यहाँ से लगे हैं, कई लोग लगे हैं यहाँ। अच्छा। से सलीमगढ़, यहाँ पे रहते हूँ मैं। हाँ। सलीमगढ़ रहता हूँ, अब यहाँ से ही कर रहा हूँ मैं कोचिंग का चिंग। अच्छा। हाँ, बाबा कह रहे लगोगे तुम्हारी। अच्छा, लग जाएगी। अर्जी लग गई आपकी मनोकामना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अकेले आए हैं? हाँ, ये बच्ची भी आई है। अच्छा, बच्ची भी है, चलो बहुत अच्छा। तो ये देखिए उधर से लोग, और यहाँ पार्क बना हुआ है बिल्कुल, यहाँ पर परमानेंट झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी, व्यवस्थित, सुंदर, अति सुंदर और रमणीक वातावरण है यहाँ पर। और वातावरण ऐसा सुंदर है कि यहाँ पर दिल लग जाता, आदमी का जाने को दिल नहीं करता। और विशेष रूप से ऐसा मनमोहक वातावरण आम मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। भीड़ भड़ाके की जगह में मंदिर होते हैं, लेकिन ये पूरे खुले वातावरण में मंदिर है। और यहाँ पर और बहन जी आ रही, इनसे बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो? शीशवाड़ से जी। शीशवाड़ से? हाँ जी। ये नाम है? रेखा नाम है जी। रेखा? हाँ जी। तो यहाँ से नहीं, मैं कितने दिन हो गए आते हुए? मैं तो आज ही आई हूँ। आज ही आई है? और क्या, तब तक शीशवाड़ की मंदिर में ही आज पहली बार आई है? हाँ जी। कमाल कर दिया, आज क्यों आई फिर? आज शनिवार है ना, वो रोज आती हूँ इस तरह, तो शनिवार को डेली आती हूँ। मैं यह पूछू भाई, कोई विशेष बात से क्यों आओ मंदिर? तो और भी गणे ऐसे दो मार खाते जी। अच्छा, यहाँ कुछ प्राप्त होता, मिलता मनोकामना? हाँ। पूरी कोई यहाँ से दो मार खाते यहाँ पे। अच्छा, तो कोई मांगा है कि शनिदेव महाराज? हाँ, मांगा। हाँ जी। मिला है कुछ? हाँ जी। कभी? हाँ जी। क्या कोई बता सकते हैं आपने क्या मिला, क्या मांगा था? जैसे अभी ताई ने बताया भाई, मेरा छोरा का ब्याह हो गया, बहू आ गई, सुथरी पड़ी ली। माँ तो आ रही है भाई। आ रही है? हाँ जी। अच्छा, आपको भी आ रही है? हमारा आएगा, मेरी भाभी आ रही है रिसार्ट से जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो धन्यवाद, जाइए, आइए, और बातें करवाता हूँ आपके। आइए अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं और कितने भक्तजन खड़े हैं, सभी से मैं बातें करवाऊँगा अभी। और बैठे हैं और गुरुजी झाड़ा वगैरह लगा रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये जो नौ की नौ देवियाँ यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। और यहाँ पूजा अर्चना करके माँ शक्ति, जो दुर्गे शक्ति है, उनसे वर मांगते हैं। और फिर यहाँ महंत जी के पास बैठ के यहाँ पर झाड़ा डलवाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और इच्छाएं रखते हैं, कुछ पूछना होता हो तो पूछते हैं। और ये रक्षा सूत्र बंधवाते हैं जिससे शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। और आइए मैं बातें करवाता हूँ आपके, इधर चलते हैं, आइए एक बार और मैं बातें करवाऊँगा एक बार इधर भी। हाँ जी, रुकियो एक मिनट, पाछे बैठी हूँ महाराज, दो बात करोगे? राम राम जी। इनसे इनसे हाँ, चलो आप कर लो, कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हैं? बगला गांव से। बगला से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुनैना। सुनैना, तो कितने दिन से आ रहे हैं आप शनि धाम में? काफी दिन से आ रहे हैं। अच्छा, शादी हुई है? जब से शादी हुई है इनके साथ। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? सतीश। सतीश, बगला से? जी जी। तो आप तो शादी से पहले भी आते होंगे यहाँ? नहीं, शादी के बाद ही चालू है। शादी के बाद? पहले कौन आता है शादी से? अच्छा, मंदिर में नहीं जाते शादी से पहले? कमाल की बात है। तो यानी कि पत्नी लेके आती है क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो कहते शादी से पहले कौन आता, जिसका मतलब पहले शादी से पहले आदमी बैचलर रहता है ना, कहाँ ध्यान देता है? ध्यान नहीं। हाँ। अब घर गृहस्थी में ध्यान है, ध्यान तो सुख शांति का भी ध्यान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने यहाँ कोई मनोकामना मांगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही रेगुलर है सर। रेगुलर? हाँ। भगवान के दर्शन करने आ जाते हम लोग? यहाँ नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हो? हाँ। कहाँ? साउथ अफ्रीका। अरे बाप रे, साउथ अफ्रीका? तो अभी छुट्टी आए तब इसलिए आए। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और मैं आपको बता दूं, ये लोक प्रसार हरियाणा 98 देशों में देखा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में 10वां नंबर सर। बिल्कुल चलता होगा सर, 10वां नंबर है, 10वें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले हांगकांग चल रहा है सबसे टॉप में। ओके। तो हाँ, तो आप भी देखिएगा लोक प्रसार हरियाणा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हरियाणा की
संस्कृति हरियाणा की माटी, और ये हमारे सभी धामों की दिखाता हूँ जी, जी, जितने भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर धाम बने हैं जहाँ लोगों के दुख संकट दूर होते हैं जी, जी, वो चीजें दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल सर। तो आपने कुछ मांगा बहन जी? कुछ मांगा? नहीं, कुछ नहीं मांगा, सब कुछ है भगवान की दया से। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जैन के साथ हैं? हाँ। आप दक्षिण अफ्रीका रहते हैं? बगला में रहते हैं। बगला में रहते हैं, चलो अच्छी बात है, दक्षिण अफ्रीका सारे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, इस बात का कोई दुख भी नहीं है मुझे। नहीं, अच्छी बात है, हमारा भारत से सुंदर कोई देश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, भारत से सुंदर कहीं नहीं है, कोई भी विश्व में कहीं देश अपनों नहीं के बीच रहना सबसे मेन बात होती है। तो आइए मैं और बातें करवाता हूँ, इधर और बैठे हैं, झाड़ा डाला जा रहा है और ऐसे लगाते हैं झाड़ा, मोर के पंख का जो है, मोर छड़ी जिसको बोलते हैं, उससे झाड़ा लगाते हैं हमेशा। और इससे मोर छड़ी तो एक एंटीबायोटिक भी होती, साइंस ने सिद्ध कर दिया कि मोर का पंख इतना बड़ा एंटीबायोटिक होता है, यदि उसको बांध लिया जाए, शरीर से टच रखा जाए, तो कोई भी बीमारी दूर नज़दीक नहीं आती, कीटाणु मर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मोर छड़ी से झाड़ा लगाया जाता है, और लगभग संत फकीर मोर छड़ी से लगाते हैं। तो आइए, हमारे पास खड़े हैं भगत जी, प्रवीण भाई पहलवान हैं और जाखो दखेड़ा से हैं भाई। राम राम। राम राम जी। न्याय के देवता सूर्य पुत्र श्री शनिदेव जी महाराज की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, पंचमुखी बालाजी की जय हो, और शिव अवतार गुरु गोरखनाथ की जय हो, शिव परिवार की जय हो। बोलिए। तो आप का पूरा नाम बताएं पहले तो। मेरा पूरा नाम है प्रवीण सावंत, प्रवीण पहलवान, गांव जाखो दखेड़ा, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। तो आप यहाँ शनि धाम में श्री शनि शक्ति धाम में कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं जी 4 सालों से लगातार आ रहा हूँ, हर शनिवार, हर मंगलवार, हर पूर्णमासी, मैं, मेरा परिवार, मेरे रिलेटिव, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितना भी मेरा सर्कल है, वो सभी आ रहे हैं, और हमारा पूर्णता विश्वास है शनि शक्ति धाम शीशवाड़ में, और जो महंत जी है श्री जगदीप जी महाराज उनमें। तो यहाँ मतलब क्यों आते हैं, क्या कोई मनोकामना पूर्ण होती है, या कोई विश्वास है, या कोई अंधविश्वास है? बात ऐसी है जी, हर चीज़ का कोई ना कोई माध्यम होता है। हाँ जी, ये परमात्मा का दरबार है, श्री शनि शक्ति धाम शीशवाड़, ये परमात्मा का दरबार है, ये न्याय के देवता है। हाँ जी, यहाँ हम सीधा कांटेक्ट करें तो परमात्मा से नहीं हो सकता, महंत जी बैठे हैं अपने यहाँ, श्री जगदीप जी महाराज जी, ये माध्यम है, तो इनके अनुसार, इनके कहने पर हम जो फेरी लगाएंगे, हम जो दोख करेंगे, पूजा करेंगे, जो महंत जी के आदेश होंगे भाई, वो जो नियम निभाने हैं वो करेंगे, तो बिल्कुल जो न्याय के देवता है शनिदेव जी, वो न्याय करते हैं, और वो हर आदमी का दुख दूर करते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत हो, चाहे किसी की ज़मीन की दिक्कत हो, किसी के प्यार की दिक्कत हो, किसी के रिश्ते की दिक्कत हो, किसी बच्चे को उसकी क्वालिफिकेशन की हो, किसी की नौकरी की हो, या आम आदमी की, व्यापारी की, दुकानदार की, नौजवान युवा साथी की, विद्यार्थियों की, कर्मचारी की, जो यहाँ पर सच्चे मन से आएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, और परमात्मा उनकी आवाज़ को जरूर सुनेगा। अच्छा, आज जैसे आपने कोई मांगी हो, मन्नत पूरी हुई हो आपकी कोई? मैं तो परमात्मा से हाथ जोड़कर यही कहता हूँ भाई, जो परमात्मा से दिल से जो हमने दुआ की, हमने वो हमारी, भगवान ने हमारा साथ दिया है, और इनकी दया दृष्टि रहेगी तो आगे भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई विशेषता इस धाम की, आप इतने दिनों से आते हैं, जैसे कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने आप है, मतलब क्योंकि जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल, ये यहाँ सुना है काफ़ी ऐसी ऐसी औरतों को 15-15 साल से, 12-12 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको बच्चे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस कमेटी का सदस्य भी हूँ। हाँ जी बताइए। और हर पूर्णमासी को यहाँ एक दरखास्त लगती है। अच्छा, जो हर महीने की पूर्णमासी होती है, शनि अमावस्या होती है, यहाँ एक दरखास्त लगती है। अच्छा। उस दरखास्त में बाबा जी जरूर स्वीकार करते हैं, कोई भी आए उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, सच्चे मन से आएंगे तो उसकी मनोकामना बिल्कुल 200% पूरी होगी। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल। जी, ये हमारा परमात्मा में पूर्णतः विश्वास है, हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर। अच्छा। और ये शनि शक्ति धाम शीशवाड़, इसका रास्ता बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हिसार से आदमपुर रोड पे काबरेल गांव आता है, और बालसमंद रोड पे काबरेल आता है, और काबरेल से शीशवाड़ा रोड पे, आदम रोड पे, आदमपुर रोड पे है ये, काबरेल और शीशवाड़ के बीच में ये धाम है। और इधर से जैसे क्या है ये, न्योली कला, मातर श्याम और काबरेल,
और कावरेल से राइट मुड़ते ही धाम है शनि शक्ति धाम, और उधर से आए तो भाई भादरा से आ सकते हैं, बाड़समंद से आ सकते हैं, आदमपुर से इधर आ सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, धाम का पूरा पता, फ़ोन नंबर महंत जी के और सेवकों के नंबर यहाँ पर हैं, आपके पास हैं तो आप इनसे बातें कर सकते हो। कोई भी मनोकामना आज तक यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, हमने हजारों लोगों से बात की है, हर कोई यही कहता है कि जैसा धाम कोई नहीं है दुनिया में। यहाँ जो मांगा, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, कोई कहीं से ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई कहीं से आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नागपुर महाराष्ट्र से आए थे जो व्हील चेयर के ऊपर थे, वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, साथ में देखना। वो यहाँ पर 51,000 रुपये दान करके गए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि वो इतनी दूर से चल के आए हवाई जहाज के द्वारा और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो वो यहाँ देखे गए। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।